260 650 नंबर मेरी 27 साल की जिंदगी में शायद पहला बच्चा देखा तो ये। सबसे पहले तो मैं सीएलसी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि इस मुकाम पे मैं शायद ही पहुँच पाता अगर मैं दूसरी कोचिंग में जाता तो सीएलसी ने इस मुकाम तक पहुँचाने में मेरा बहुत सहायता की। और मेरा पिछले साल स्कोर 260 था जिससे बहुत डिमोटिवेट हुआ। तू फ्रेशर है क्या? हाँ। क्या बात है यार, तो 260 आए तेरे पास और 260 से बात तो सीएलसी आके आता स्कोर 640 है। क्या बताएं, तो इसमें मेरे भैया ने बहुत हेल्प की और पापा ने, क्योंकि भैया यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था पहले नीट में एपीएमटी में, तो उनके कहने पे मैं यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे रेगुलर इसको क्लासेस गया और कैंप में, कैंप एक कैंप बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था है एक पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं हॉस्टल में बहुत बार रुक गया, मैंने भाई आज चलो हॉस्टल में पढ़ लेंगे पर हॉस्टल में कभी पढ़ाई नहीं हुई, तो कैंप एक ये सुपर 60 तो हॉस्टल में पढ़ाई नहीं हुई तो कहना चाहता है हॉस्टल रुकना नहीं देना बच्चों का ना। हाँ, कैंप बहुत अच्छा और वार्डन ने बहुत हेल्प की, रेगुलर पेपरों की रिपोर्ट भेजी, घर पे फोन किया, नंबर कमाए, कभी बीमार हो, एक बार बीमार हो गया तो मैं तो रात को मेरे को रोज आप पढ़ा पाती थी, रोज प्रिंट भेजता था वार्डन के साथ। हाँ, अभी लास्ट टाइम में, और एक बार बीमार हो गया तो रात को 12 बजे वार्डन मेरे को लेके गया था वहाँ पे, तो जाएगा बेटा। तो ऐसे वार्डन पूरा सपोर्ट और बॉस के मोटिवेशन, सबसे अच्छा सर आपका मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन थोड़ा मोटिवेट हुआ शुरू में, बहुत डिप्रेशन चला गया 260 नंबर तो आया, 260 डिप्रेशन में पहला बच्चा देख रहा हूं मैं तो, सुनिए सर 260 पहला बच्चा देख रहा हूं तो, ये मेरी 27 साल की जिंदगी में शायद 260 650 नंबर सर। तो सर बहुत डिप्रेशन में, फिर आपका मोटिवेशन और रेगुलर मान 40 में यहाँ असेंबली में बैठना उससे थोड़ा मोटिवेट हुआ, फिर कैंप सबसे अच्छी कैंप, और एक यहाँ का पेपर एकदम नीट बेसिस कोई ज्यादा वो नहीं लग रहा है। हाँ सर, ये पेपर की वजह से थोड़ा बहुत मोटिवेट हुआ और फिर थैंक यू।